तेज गर्मी के बढ़ते आग हुई बेकाबू, हर जगह आग का तांडव देखा जा रहा है। ताजा मामला मेरठ के विकास भवन का है, जहां दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगने से बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने बम उसकी आग पर काबू पाया। मेरठ के थाना सिविल लाइन इलाके के कचहरी स्थित बने विकास भवन की दूसरी मंजिल पर जिला पंचायती राज, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला राष्ट्रीय बचत का ऑफिस है। ऑफिस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ऑफिस में काफी फाइलें थी जिसमें पुराने रिकॉर्ड भी थे। केबिन भी सिंथेटिक से बने हुए थे, जिस कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते फाइलें जलकर राख हो गई और ऑफिस में रहे कंप्यूटर सिस्टम भी आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने सबसे पहले बिल्डिंग को खाली कराते हुए लोगों की जान बचाई और उसके बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया। लेकिन जब तक ऑफिस में रखा सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो चुका था। इस आग में क्या क्या जला है और कितना नुकसान हुआ है, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। आग लगने का कारण मुझे नहीं मालूम। मैं अभी अंदर ही नहीं गया हूँ। जिस समय आग लगी मैं उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था, NIC में। क्या बताया जा रहा है, कारण क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है? अभी मैं पूछूंगा ना सबसे भैया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसकी थी? राज्य स्तर की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, LOB की, स्वच्छ भारत मिशन की VC थी। अंदर जाके सब अलमारी देखी जाएंगी तभी मालूम हो पाएगा ना कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है। सर आग लगी है बिल्डिंग में, कौन सी विभाग में आग लगी और कैसे लगी? ये जिला पंचायत राज का ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे इसमें आग लगी थी। और बताया जा रहा है कि बाहर फ्लेक्सी लगी हुई थी, फ्लेक्सी में आग लगी, फ्लेक्सी में शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उससे आग अंदर आई है, इन्हीं कारणों में शायद अंदर आग पहुंची है। AC ने शायद बाद में पकड़ी होगी और इसका पूरा जांच की जाएगी और उसके बाद ही क्लियर होगा कि आग का कारण। एक ही कार्यालय है जिला पंचायत राज का, उसके अंदर अलग डिपार्टमेंट होंगे, उन्हीं में आग। दो फायर टेंडर मौके पर हैं और आग कंट्रोल हो गई है। हाँ, काफी लोग थे बिल्डिंग को, सबको बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि कोई घायल नहीं हुआ है, सब लोग सुरक्षित हैं। नुकसान तो अब बाद में आकलन होगा, पत्रावली जली होंगी, क्या है ये सब बाद में देखा जाएगा। एक्चुअली में गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, थोड़े से स्पार्क से ही आग पकड़ लेती है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें, इस गर्मी के सीजन में अपनी वायरिंग चेक कर लें, AC को चेक कर लें, जो निकास द्वार हैं उन्हें प्रॉपर चेक कर लें, कि कोई भी आकस्मिकता में आप तुरंत बाहर आ जाएं बिल्डिंग से, ये सावधानी रखने की ज़रूरत है।